दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईपीओ की। एक एसएमई आईपीओ है जिसको कि डीएमआर एसएमई आईपीओ भी बोला जा रहा है। इस आईपीओ कंपनी जो है डीएमआर क्या करती है, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या इसकी आईपीओ की डेट्स हैं, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना इसका प्रॉफिट है, जीएमपी क्या चल रही है डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की, ये सारी की सारी डिस्कशन वीडियो में करने वाले हैं। छोटी शार्प कॉम्पैक्ट वीडियो रखूंगा आसान भाषा के अंदर, जो किसी को भी समझ में आ जाए उस भाषा के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो इस कंपनी से रिलेटेड हो सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डीएमआर जो कंपनी है वो करती क्या है। डीएमआर जो है वो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, मतलब कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इन्होंने खुद ने ही यहाँ पर काफी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हाइड्रो पावर डैम्स, रोड और रेलवे टनल्स, मान के चलिए कि जो डैम्स होते हैं हमारे जिसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो उसके अंदर उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तैयार किया जाता है कि कहाँ पर ब्रिज बनेगा, कितना वहाँ पर वोल्टेज ऑफ जो पावर है वो रखी जाएगी, कितनी हाइट के ऊपर डैम बनेगा, ये जो सारी डिस्कशन होती है, सारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, ये जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करती है डीएमआर कंपनी जो प्रोवाइड करती है। अब साथ साथ जैसे रोड बन रही है तो रोड कहाँ से होते गुजरेगी, कितनी उसकी साइज होगी, कितना टाइम उसको बनाने में लगेगा, कितनी कॉस्ट उसकी आ सकती है, ये सारी। अब ड्यू डिजिलेंस यहाँ पर एक नया वर्ड था जिसको मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने इसके थोड़ा गूगल किया और ड्यू डिजिलेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जो ड्यू डिजिलेंस सर्विसेज होती हैं वो होती है रिसर्च और एनालिसिस की, मतलब कि अब मान के चलिए कि कोई ऐसा इनको रोड बनानी है, मान के चलिए अब जो रोड है वो पहाड़ पे बन रही है, और पहाड़ पे बन रही है तो साधारण तरीके से नॉर्मल रोड तो बना नहीं सकती है, उसको इन्होंने क्या काट काट कर घुमा घुमा के रोड बनानी पड़ेगी, तो उसमें एक रिसर्च लगेगी एक टाइप की, उसमें कुछ ऐसी सर्विसेज चाहिएगी कि हाँ भाई हमको ट्रायल एंड एरर वाली चीजें होती है कि हाँ यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम यहाँ पर इतना पानी आए, इतनी बरसात आए तो चलेगी नहीं चलेगी, तो इस तरह की जो सर्विसेज है वो एक कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी का जो टोटल है प्रेजेंस है वो 11 स्टेट्स के अंदर है इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनली भी कंपनी काफी ज्यादा जो सर्विसेज अपने प्रोवाइड करती है। जो टोटल 5 कंट्रीज हैं जहां पे इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो है नेपाल, नाइजीरिया, दुबई, जर्मनी और सेंगेल। अब इन कंपनीज के अंदर भी ये यही सर्विस प्रोवाइड करती है। अब मेनली क्या है आपको इतना समझना है कि मान के चलिए इनके पास काफी सारे इंजीनियर्स हैं, और जब भी किसी कंपनी को कोई जरूरत होती है तो इन इंजीनियर्स को वो हायर करती है और उनको कहती है कि ये पर्टिकुलर एक आपके सामने प्रॉब्लम है इसको सोल्व कीजिए। वो सोल्व करते हैं, वो बताते हैं कि कितने में आपकी प्राइस की बिड लगनी चाहिए, कितने की सीमेंट आएगी, कितने की यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा, कितने जो लोग हैं उनको हायर करना पड़ेगा, वो कितने दिनों में प्रोजेक्ट बनेगा, कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसी कंपनी को, किसी को जो कहते हैं ना, अगर हम देशी भाषा के अंदर साधारण भाषा में बात करें तो आपको कोई रोड बनाना है तो उसके लिए ठेका देना पड़ेगा। वो जो ठेकेदार होता है वो क्या करता है, वो इस तरीके की किसी कंपनी को हायर करेगा जो उसको बताएगी कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी सारे मतलब ये ऐसे सेक्टर्स में भी काम करती है, जैसे कि रिन्यूएबल्स हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, माइनिंग में भी काम करती है कि जैसे किसी को माइन को सेट करना है। अब ये तो है नहीं कि छेद निकाल के वहां से सामान निकालने लग गया, ऐसा तो होता नहीं, उसको पहले माइन खुद डिग की जाती है, बूम ब्लास्ट की जाती है, उसके अंदर फिर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ताकि वो जो माइन है वो कभी कोलैप्स ना हो जाए, तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनका हाथ है, मतलब जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो शहरों के अंदर जो निर्माण होता है, जो ओवरब्रिज बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, मेट्रो बनाई जाती है, उसके अंदर भी इनका काम है। अब काफी सारे काम यहाँ पे उन्होंने नहीं डिस्कस करके नॉर्मली बता रहे हैं कि हाँ हम ये सब करते हैं। अब देखा जाए तो इसकी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ जो कंपनी खुद के बारे में बता रही है वो है कि प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, मतलब कि डोमेस्टिक है, कल को अगर इंडियन मार्केट में कुछ हो जाए तो हमारा जो है इंटरनेशनल मार्केट चलता रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में कभी कोई डाउन आ गया तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट चलता रहेगा, इंडियन मार्केट चलता रहेगा, तो इससे काफी ज्यादा एक असर पड़ता है कि कंपनी की जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है उसके ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ जो कि है एक काफी सारी सर्विस, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, रोड हो गई, डैम्स हो गई, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, माइनिंग होगी, काफी सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बात करें इनकी जो मैनेजमेंट टीम है उसको काफी एक्सपीरियंस्ड ही बता रहे हैं, अब हमने तो उनसे पर्सनली मिले नहीं। बात करते हैं कि केटरिंग टू डाइवर्स सेक्टर, मतलब कि काफी सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं इनके पास, ये नहीं किसी एक ही सेक्टर है। अब कई बार होता है ना कि सिर्फ ये रोड ही बनाती है, तो मान लीजिए कि तो सरकार ने कोई ऐसा नियम निकाला जिसके कारण की जो रोड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर नुकसान हो गया, तो इनको कंप्लीटली नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि इनकी प्रेजेंस है काफी और जगह भी, इनकी प्रेजेंस जो कि इनको बचाए रखती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्रेडिटेड विद वेरियस क्वालिटी सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स काफी इनको मिले हैं, यहाँ पर डिस्कशन नहीं करके सर्टिफिकेट्स कौन से हैं, वो इनका कहना है कि इनके पास काफी सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मिले हुए हैं जो गवर्नमेंट के तौर से या काफी अलग प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी इनको मिले हुए हैं। बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, तो कंपनी प्रमोटर सुभाष चंद्र मित्तल और नीलम मित्तल कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल क्या चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। एसेट्स की बात की, एसेट्स होते हैं मतलब मान के चलिए इनके पास कितने बुलडोजर हैं, कितनी जमीन है इनके पास, कितने ऑफिस हैं, कितनी मशीनरी है इनके पास, इन सब चीजों को एसेट्स में काउंट किया जाता है। तो देखा जाए तो कंपनी के पास जो टोटल असेट्स हैं वो 2019 के अंदर 23.65 मिलियन थे, और उसके बाद में थोड़ा सा एक इंक्रीज आपको देखने मिल रहा है, मार्च 21 तक ये 33.76 मिलियन हो चुके थे। नेक्स्ट रेवेन्यू की डिस्कशन की जाए तो रेवेन्यू इसके पास 2019 के अंदर 16.09 मिलियन यहां पर रुपीस था, उसके बाद में जब इंक्रीज हो गए
जो रेवेन्यू है वो 24 मिलियंस के अंदर आ चुका है। कंपनी के अंदर फाइनेंशियल में एक थोड़ा सा इंक्रीज हमको देखने को जरूर मिल रहा है। प्रॉफिट इतना खास इसका नहीं, आप देखा जाए तो ओनली यहाँ पर 3 मिलियन का यहाँ पर प्रॉफिट है। मतलब कि 3 मिलियन को हम अगर कैलकुलेट करें तो 30 लाख रुपीज यहाँ पर बनते हैं, फिर 50 लाख रुपीज यहाँ बनते हैं, और फिर 60 लाख रुपीज यहाँ पर बनते हैं अगर हम इसको मिलियंस के अंदर इनको कैलकुलेट किया जाए तो। अच्छा, इतना बहुत बेहतरीन हम इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, काफी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट ये कंपनी बना रही है। अब बात करते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जैसे कि मैंने बताया कि एसएमई आईपीओ है, अगर एसएमई आईपीओ के अंदर आपको डाउट है कि वो क्या होते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, एक बहुत जबरदस्त अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो मैंने एक बनाई है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसको आई बटन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी की सारी इंफॉर्मेशन एसएमई आईपीओ से रिलेटेड, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिला है, तो उसको जरूर चेकआउट किया अगर आपको एसएमई आईपीओ के बारे में नहीं पता। तो एक एसएमई आईपीओ है, इसका जो फिक्स्ड प्राइस जो रखा गया है वो 21 रुपीज के ऊपर रखा गया है, और 6,000 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिल रहे हैं। अब एसएमई आईपीओ में यही होता है, फिक्स प्राइस होता है, काफी बड़ा मार्केट लॉट होता है और काफी बड़ी ह्यूज अमाउंट आपसे मांगी जाती है। देखा जाए तो 1,26,000 रुपीज आपको इसके लिए ब्लॉक करवाने पड़ेंगे अपने अकाउंट के अंदर। अब इतनी बड़ी जब अमाउंट आपसे मांगी जाती है तो एक रिस्क फैक्टर तो अपने आप इतनी अमाउंट का आ ही जाता है। और साथ साथ एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा, इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं होती है, हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक लॉट ही इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही अमीर हो वो ज्यादा नहीं कर सकता। एक डीमैट अकाउंट या एक पैन नंबर से आप इसके बोल सकते हैं बात, एक पैन नंबर से वो एक ही आईडी बना सकता है, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे तो चाहे जितनी मर्जी आईडीज लगाओ, वो डिपेंड करता है फैमिली मेंबर्स कितने हैं। अब बात करते हैं कि इसकी लिस्टिंग जो है वो बीएससी के ऊपर होगी। मैंने कहा था ना एसएमई जो आईपीओ होते हैं वो किसी भी एक एक्सचेंज के साथ जुड़ के आईपीओ लेके आते हैं, तो ये वाला जो एसएमई आईपीओ ये बीएससी के साथ जुड़ के आ रहा है। अगर आपने एसएमई वाली वीडियो देखी तो मुझे कमेंट करके बताओ कि जो बीएससी के साथ जो एसएमई आईपीओ होते हैं उसका क्या नाम है, उस एक्सचेंज का नाम क्या दिया जाता है, अगर आपको याद है तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर देता है। इशू साइज जो वो 2.09 करोड़ रुपीज मार्केट से उठाना चाहती है। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल, मतलब कि ऑफर फॉर सेल मतलब जो ऑलरेडी कुछ यहाँ पर प्रमोटर्स हैं वो अपने 42 लाख रुपए कंपनी से लेके वो निकल जाएंगे। 1.68 जो करोड़ रुपीज है वो ये कंपनी अपने अंदर रखेगी, थोड़े आगे आगे के पर्पसेस के लिए काम मिलेगी। तो ऑफर फॉर सेल है ऐसी छोटी कंपनी में, ये थोड़ा सा नेगेटिव इशू मुझे यहाँ पर लग रहा है। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ की जो रजिस्ट्रार है वो कौन है। रजिस्ट्रार देखा जाए तो स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्ट्रार है, इसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में लेनी है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम, दोस्तों एसएमई आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होती। हम सारे सोचते हैं कि जीएमपी बता दो, बस जीएमपी के हिसाब से हम लगा देंगे, हमें पता है जीएमपी जो भी होती है उसके हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मिलता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आज के डेट में जीएमपी की काफी ज्यादा महत्वता यहाँ पर हो चुकी है, बट एक एसएमई आईपीओ के अंदर आपको जीएमपी नहीं देखने मिलती। क्यों नहीं देखने मिलती? एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम केस कंपनीज होती है, स्मॉल एंड मीडियम मतलब नाम में ही स्मॉल है, ये काफी छोटी कंपनी होती है, इसके अंदर रिस्क नहीं लिया जाता। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जब ट्रेडिंग होती है तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो इसमें रिस्क नहीं लेते छोटी में, क्योंकि इनका प्राइस मैनिपुलेशन बहुत आसान होता है, इतनी इजीली इसका प्राइस मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब देखिए आपके पास बहुत ही सिंपल से तरीके से एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये पूरा जो आईपीओ है वो पूरा ही 2 करोड़ रुपए का आईपीओ। अब 2 करोड़ रुपए मेरे को बताइए कोई बड़ा इन्वेस्टर आराम से अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब सोचे देखिए, वो सारे के सारे शेयर्स ही एक बंदा ले सकता है इसके, और जी में आए उतने इसको मैनिपुलेट कर सकता है शेयर्स को। इसलिए मैनिपुलेशन से बचने के लिए एसएमई आईपीओ के अंदर आपको जीएमपी नहीं देखने को मिलती। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एसएमई आईपीओ के अंदर ग्रे मार्केट में ट्रेड करते ही नहीं है, अगर ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो उसका प्राइस कैसे निर्धारित किया जाएगा। इसलिए अगर कभी आपको फ्यूचर में भी एसएमई आईपीओ के बारे में जीएमपी की कहीं पर दिखा रहा है तो उसका मतलब वो बेवकूफ बना रहे हैं, उसको मत देखिए। एसएमई आईपीओ के जीएमपी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आईपीओ जो ओपनिंग डेट है वो 24 नवंबर की है, और जो क्लोज ये आईपीओ हो जाएगा 29 नवंबर को। अलॉटमेंट की जो डेट है वो है 2 दिसंबर की, मतलब 2 दिसंबर को आईपीओ अलॉट होने वाला है आपको, आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है। अब इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स आपको 3 दिसंबर को मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट जो है उसी दिन ही मिलने लग जाते हैं आपको, 2 दिसंबर को ही मिल जाएंगे शेयर्स आपके, 3 दिसंबर को आएंगे। और आईपीओ की जो लिस्टिंग है सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 7 दिसंबर की, देखते हैं इस आईपीओ के अंदर क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं अप्लाई की, मैं नहीं कर रहा हूं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई, मेरे पास इतने फंड्स नहीं है 1,26,000 रुपए एक आईपीओ में लगाने के लिए। अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको अलाउ करती है आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, कंपनी है यूनिक इसका थोड़ा सा काम है, लेकिन दोस्तों पर्सनली मैं बताऊंगा इस आईपीओ इतनी कोई खास लगी नहीं मुझे, इतनी कंपनी को बेहतरीन है नहीं, ऊपर से ऑफर फॉर सेल भी है, काफी बड़ा इशू नहीं है वो मैनिपुलेशन वाली बात, इजिली मैनिपुलेट हो जाती है कंपनीज, तो अपना पैसा यहां पर नुकसान में ले जाने वाला मुझे लगता है यहां पर। बाकी दोस्तों आपको डिपेंड करता है, सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने लाके छोड़ दी है, आपको अच्छा लगे तो अप्लाई कीजिए, ना लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप अप्लाई करोगे नहीं करोगे, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इस तरह से निकल जाता है कि ये डिपेंड करती है गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर, क्योंकि जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड होती है। कल को एक न्यूज आ गई, भाई सरकार ने फलाने फलानी यहाँ पर रेट बढ़ा दिए, शेयर प्राइस आपको नीचे गिरता दिखेगा, और कल को मान लीजिएगा कि कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर आया जिसको खेलने का मन है तो वे 2 करोड़ रुपए के शेयर के साथ खेल के चला जाएगा और आपके पैसे भी इधर से उधर घुमा के चला जाएगा।
तो हालांकि आजकल आज की डेट में इतनी मैनिपुलेशन होती नहीं है, बट फिर भी एक किसी लेवल, एक लेवल होता है वहां तक तो की जा सकती है, एक लीगल लेवल होता है वहां तक तो ये मैनिपुलेशन हो सकती है। तो बच के रहे, अगर आपको लगता है कि हाँ भी आपके लिए अच्छी ये डिटेल्स अच्छी लग रही है, आपके फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं कंपनी के, आप एक ट्राई कर सकते हैं। बट अगर साधारण निवेशक हो, नॉर्मल निवेशक हो, थोड़े मोटे पैसे हैं, 10-15 हज़ार रुपये हैं, जिससे लिस्टिंग गेंस कमाना चाहते हो, तो दोस्तों ये आईपीओ आपके लिए नहीं है। अगले आईपीओ में ट्राई करेंगे। इस तरह के बेहतरीन वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ये सबसे बेहतरीन मौका है सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह की जबरदस्त ग्रेट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड। तो जल्दी से जाइए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। अगर चैनल पे नए हो तो भी लाइक करके मोटिवेट कीजिए, चैनल पे जो पुराने हैं उनके लिए एक स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।